तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में CS ब्रांच कितने परसेंटाइल पे मिलेगा। टॉप कॉलेजेस और बीच के कॉलेजेस, मतलब कि मीडियम कॉलेजेस और फिर सबसे लोवेस्ट कॉलेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कितने परसेंटाइल तक कोई भी कॉलेजेस मिल जाएगा। ठीक है, लो परसेंटाइल है अगर आपके, हाई परसेंटाइल है या फिर मीडियम परसेंटाइल है, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो देखो जिन बच्चों का 35, ठीक है, 1 से लेके 1 to 35 परसेंटाइल तक है, उनको कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। गर्ल्स को मिल सकता है मे बी, गर्ल्स को कितने तक मिल सकता है, अगर 30 परसेंटाइल तक से ऊपर है तब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका अगर 1 परसेंटाइल भी रहेगा तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, नहीं। अगर आपका 1 to 35 परसेंटाइल तक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलने का चांस कम है। ठीक है, ऐसे 35 रहेगा तो चांस बन सकता है कि सेकेंड राउंड तक अलॉट हो जाए, लेकिन अगर 35 से नीचे जाता है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 35 परसेंटाइल से नीचे जिन बच्चों का रहेगा JEE मेंस पर परसेंटाइल, उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का 35 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक है, उनको चांस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, लेकिन न्यू कॉलेजेस में मिलेगा। ठीक है, नए कॉलेजेस में मिलेगा, वो भी हो सकता है कि मे बी सेकेंड राउंड तक मिले। ठीक है, सेकेंड राउंड तक मिले तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है और सेकेंड राउंड में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी भी अलॉट हो, हमको बस तो कॉलेज चाहिए ना। ठीक है, बस कॉलेज चाहिए हमको या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो या सेकेंड राउंड में, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड में हो सकता है अलॉट हो जाए। ठीक है, सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाए। और जिन बच्चों का 35 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल के बीच में है, ठीक है, जिन बच्चों का 35 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल के बीच में है, उनको 100% है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 35 से 100% के बीच में है, उनको मिलने का चांस ज़्यादा है, लेकिन 50 परसेंटाइल जिन बच्चों का 40 परसेंटाइल से क्रॉस करेगा, उनको 100% चांस है कि मिल जाएगा, लेकिन 40 परसेंटाइल से जिनका नीचे रहेगा उनको सेकेंड राउंड या तक वेट करना पड़ेगा, मे भी मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जिन बच्चों का 40 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक है, जिन बच्चों का 40 परसेंटाइल से ऊपर है, उनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। हाँ, और हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का, ठीक है, जिन बच्चों का 50 परसेंटाइल से ऊपर है, उनको कौन से कॉलेज ट्राई करना चाहिए। 50 परसेंटाइल से नीचे है तो आपको तो लो कॉलेज ट्राई करना चाहिए। ठीक है, नीचे है तब, ठीक है, अगर आपका 50 परसेंटाइल से ऊपर है तब आपको कौन सा कॉलेज ट्राई करना चाहिए। अगर आपका 50 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको बिहार के मीडियम, मतलब बीच के कॉलेजेस ट्राई करना चाहिए, जैसे बांका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, ठीक है, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब कॉलेजेस, लखीसराय हो गया, ये सब कॉलेजेस अगर आपको ट्राई करना है अगर आपके 50 परसेंटाइल से ऊपर है तब। ठीक है, JEE मेंस पे 50 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको कंप्यूटर साइंस वो सब कॉलेजेस में मिल सकता है। ठीक है, और लेकिन जिन बच्चों का 70 परसेंटाइल से ऊपर है, उनको कौन कौन से कॉलेज ट्राई करना चाहिए। ठीक है, देखो जिन बच्चों का 70 परसेंटाइल से ऊपर है ना, वो प्लीज़ टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज ट्राई करना। ठीक है, टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज ट्राई करना, उनको 100% मिल जाएगा। टॉप 10 में कौन कौन सा कॉलेज, कहने का मतलब आप सभी का होगा मन में क्वेश्चन कि भैया टॉप 10 मतलब कौन कौन सा कॉलेज। ठीक है, टॉप 10 मतलब कौन कौन सा कॉलेज, देखो सबसे पहले तो MIT ट्राई करना है। ठीक है, फिर BCE भागलपुर ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ट्राई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बख्तियारपुर ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद मोतिहारी ट्राई करना है, फिर उसके बाद LNGPT छपरा, ठीक है, LNGPT छपरा, और उसके बाद चांडी, ठीक है, उसके बाद चांडी, फिर मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा, ये सब कॉलेजेस जो है ना आपको ट्राई करना है अगर आपके परसेंटाइल JEE मेंस में 70 परसेंटाइल से ऊपर है तब आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, देखो इतना मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इतने परसेंटाइल तक है तो आपको कंप्यूटर साइंस 100% मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके परसेंटाइल 40 परसेंटाइल से ऊपर है JEE मेंस में तो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो सकता है अगर आपको कंप्यूटर साइंस, और इस बार सीट बढ़ भी गए हैं, 14,500 सीट हो चुके हैं, तो आप लोग को और ज़्यादा मौका मिलेगा कि कम परसेंटाइल वालों को भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाए। तो टेंशन नहीं लेना, आप सभी को कॉलेज मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा सभी
को मिलेगा, ठीक है, सभी को मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों का 35% से ऊपर है वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का 35% से नीचे है मैं उनको बोलूँगा कि आप ट्राई करना, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, ECE मिल जाएगा और मैकेनिकल मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन होगा, भैया अगर CSE नहीं मिला तो मैकेनिकल, ECE या फिर इलेक्ट्रिकल में से कौन सा ब्रांच लेके पढ़ना सही रहेगा। देखो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिलता है तो आप ECE लेके पढ़ो, ठीक है। अगर आपको मन है कि कंप्यूटर के बारे में पढ़े तो ये सिमिलरली सेम ब्रांच होता है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होता है। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज ही लेना पड़ता है। इसमें आपको कोडिंग वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको कोडिंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि अगर आपको CSE नहीं मिला, ठीक है, CSE नहीं मिला तो आप ECE लेके पढ़ सकते हो बाकी अलावे सारे ब्रांच के कंपेयर में, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अगर 35% अगर आपका है, 30% से 35% है तो आप सिविल इंजीनियरिंग भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके सिर्फ पढ़े, तो अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो आप ECE लो, ठीक है, जॉब हो जाएगा आपका अच्छे जगह, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, हर एक डाउट क्लियर होएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।